ओम श्री गणेशाय नमः। मैं बीना कपिल ज्योतिष क्वेरी चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दक्षिण भारत में प्रदोष व्रत को प्रदोषम के नाम से जाना जाता है और इस व्रत को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रदोष व्रत चंद्र मास की दोनों त्रयोदशी के दिन किया जाता है, जिनमें से एक शुक्ल पक्ष के समय और दूसरा कृष्ण पक्ष के समय होता है। कुछ लोग शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के प्रदोष के बीच फर्क बताते हैं। प्रदोष व्रत को भी प्रदोषम कहा जाता है। जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के समय व्याप्त होती है, उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से आरंभ होता है। ध्यान रहे, प्रदोष व्रत के लिए प्रदोष काल लिया जाता है जो कि सूर्यास्त के समय से शुरू होता है। जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष साथ साथ होते हैं, जिसे त्रयोदशी और प्रदोष का अधिव्यापन भी कहा जाता है, वह समय शिव पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष के समय शिव जी प्रसन्नचित मनोदशा में होते हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि प्रदोष के व्रत का दिन दो शहरों के लिए अलग अलग हो सकता है, और ये जरूरी नहीं कि दोनों शहर अलग अलग देशों में ही हों, क्योंकि ये बात भारतवर्ष के दो शहरों पर भी मान्य है। प्रदोष के व्रत का दिन सूर्यास्त के समय पर निर्भर करता है, और जिस दिन सूर्यास्त के बाद त्रयोदशी तिथि प्रबल होती है, उस दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। इसलिए कभी कभी प्रदोष का व्रत त्रयोदशी तिथि के एक दिन पूर्व अर्थात द्वादशी तिथि के दिन भी पड़ जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया फीडबैक अवश्य दीजिए। आपको कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो आप ज्योतिष क्योरी चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने अपने बारे में कुछ भी जानना है तो कृपया पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए, जिसमें सही सही जन्म तिथि हो। महीना हो और साल हो, और इसी तरह आपने अपने जन्म का जो समय है, अर्थात सुबह का समय है या शाम का है, एएम या पीएम, वो भी बताया। आपने अपना बर्थ प्लेस जो बता रहे हैं, तब ये भी ध्यान रखना है कि आपका जहां भी जन्म हुआ है उसके आसपास जो भी शहर या जिला लगता है उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। यदि आप भारत से बाहर हैं तो कृपया उसके बारे में भी बताएं, और अगर आपको अपने जवाब और भी अधिक एक्यूरेसी से चाहिए तो अपने दोनों हाथों की पिक्स, जिसमें लाइनें बहुत स्पष्ट दिखाई देती, भेजते। आपने अब तक वीडियो को ध्यान से सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो मिलती हूँ किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, तरक्की करें। ओम नमः शिवाय।